डंडे से कभी सरकार जनता को नहीं चला सकती। अगर डंडे के दम पे जनता को चलाएगी तो जनता भी डंडा उठाना जानती है। हमारी मांगे नहीं पूरी हुई ना तो हमने एक बड़ा आंदोलन का ऐलान किया है जी, 7 नवंबर को तो करनाल के अंदर जाएंगे जी। हम गलती है सर, आंगनवाड़ी को भी जो प्ले स्कूल के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है तो गलती है। इसमें आंगनवाड़ी के ऊपर भी अटैक किए कि दो हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है। मेरा नाम शकुंतला है, मैं आंगनवाड़ी फेडरेशन की राष्ट्रीय सचिव और CITU की राज्य सचिव हूँ। आज जो है परियोजना वर्कर्स की पूरे भारत के अंदर हड़ताल है और हड़ताल करने का हमारा मकसद ये है कि अक्टूबर 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी मन की बात द्वारा और कहा था कि अब की बार जो है आंगनवाड़ी वर्कर पूरे देश में मेरी तरफ से जगमग दिवाली मनाएंगी। 1500 रुपये आंगनवाड़ी वर्कर के और 750 रुपये हेल्पर के बढ़ोतरी की सरकार ने घोषणा की थी जिसको आज तक भी लागू नहीं किया। इससे ये पता चलता है कि ये सरकार कहने में कुछ है करने में कुछ है, जमीनी स्तर पर वो काम नहीं कर रही जो हमें उम्मीद थी। दूसरा हम विरोध ये कर रहे हैं, हरियाणा के अंदर आंगनवाड़ी वर्करों को प्लेवे स्कूल की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस स्कीम के अंदर जो है WCD प्लस डाइट प्लस प्रथम के नाम से NGO को लेके आ रही है सरकार। हम लंबे टाइम से 1975 से ये स्कीम चली हुई थी और लगातार हम ये आंदोलन कर रहे थे। अगर इस स्कीम की सरकार को ज़रूरत है तो इसको विभाग का दर्जा देके वर्कर हेल्पर को कर्मचारी बनाया जाए, लेकिन सरकार जो है इसके उलट कर रही है। आंगनवाड़ी सेंटरों को बदल के प्लेवे स्कूल, और 52,000 वर्कर हेल्पर हैं हरियाणा के अंदर। 52,000 में से 4,000 आंगनवाड़ी वर्करों को चिन्हित किया गया है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसके अंदर प्लेवे स्कूल के बारे में दर्ज है, लेकिन बाकी जो बचे आंगनवाड़ी केंद्र है उनका क्या होगा उस पर स्पष्ट नहीं है सरकार। ना उसके बीच में हेल्पर का कहीं जिक्र है कि प्लेवे स्कूल के अंदर हेल्पर कहाँ जाएगी, वो रहेगी नहीं रहेगी। सरकार जो है छटनी करने जा रही है। अभी 191 आंगनवाड़ी वर्करों की कैथल के अंदर भी लिस्ट जारी की है जिसमें MA BA को जो है सरकार ने चिन्हित किया है। जो 10वीं पास है, जो +2 पास है वो कहाँ जाएंगी उस पर कोई स्थिति सरकार स्पष्ट नहीं कर रही। आज हम ये विरोध करके सिर्फ एक ट्रेलर के रूप में ये आंदोलन कर रहे हैं। राज्य सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि ICDS के अंदर ना प्रथम के नाम पे, ना द्वितीय के नाम पे, ना तृतीय के नाम पे किसी भी तरह से हम NGO को नहीं घुसने देंगे। और आंगनवाड़ी केंद्रों में अगर कोई NGO आता है तो उसका असर जो है बुरा होगा और भुगतान सरकार को भुगतना होगा। बड़ी संख्या में वैसे झंडे भी थे साथियों, लेकिन डंडे का मतलब ये है सरकार जो है इस जनता को लाठी गोली के दम पे दबाना चाहती है। आपने देखा होगा किसानों का आंदोलन चला हुआ है, जहाँ भी किसान आंदोलन करते हैं सरकार डंडे और गोलियों के दम पे उस आंदोलन को दबाना चाहती है। हम सरकार को डंडे लेके ये चेताना चाहते हैं कि डंडे से कभी सरकार जनता को नहीं चला सकती। अगर डंडे के दम पे जनता को चलाएगी तो जनता भी डंडा उठाना जानती है। इसलिए हम जो है एक संकेत सरकार को देना चाहते थे कि ये डंडे और ये गोलियां भूल जाए, बातचीत का एक रास्ता अपनाएं। जो जायज मांगों को लेके लोग सड़कों पे है उनको जो है बातचीत के जरिए सुलझाया जाए। सर पहले तो जो हमारी पिछली मांग थी, जो 8 एक्टिविटीज़ का काटा हुआ पैसा था वो आज तक वापस नहीं दिया गया, उसकी फाइल हर बार टाल दिया जाएगा कि प्रोसेस में है, वो अभी तक मतलब नहीं हुई मांग पूरी। और जो कोरोना काल के अंदर आशा वर्कर्स ने इतना कार्य किया है उसके अंदर भी कोई खास होनी है, एक प्रोत्साहन राशि जो कि बहुत ही कम है, आशाएं बहुत ही इसमें जो कोविड पॉजिटिव भी है उनको कोई मतलब आर्थिक सहायता भी नहीं दी गई, कोई उनका इलाज भी ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के खर्चे भी किया जाए। और आयुष्मान कार्ड के अंदर भी बहुत सी आशाएँ हैं जिनका नहीं बना हुआ है, कुछ ही आशा जिनका था। आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसको लेकर भी क्या कदम उठाए? ये भी गलती है सर, आंगनवाड़ी को भी जो प्ले स्कूल के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है तो गलती है। इसमें आंगनवाड़ी के ऊपर भी अटैक किए कि दो हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है उनको। आज का दिन बस नहीं है कि जी हमारी मांगों को लेकर है जी, जिस तरह हमारे पे स्कूलों में भी बेकार ली जावे है और हमारा वेतन है जो मतलब के ना के बराबर ही है, 12 महीने की बजाय 10 महीने दे रहे हैं जी। हमारी मांग है कि 12 के 12 महीना दी जाए, और जो 60 साल का लेटर निकाला है जी हमारी वर्करों का
तो हम 65 साल की मांग कर रहे हैं जी। और शिक्षा मंत्री तब भी हम 14 तारीख को मिले थे जी, हमारे कई मुद्दे थे, मतलब के रिटायरमेंट के टाइम तो हमारे को 60,000 रुपये, 1-2 लाख रुपये की राशि दी जावे और 28 गरीब वर्करों को वापिस लिए जावे। जो स्कूल मॉडल स्कूल है, जो मतलब बंद कर दिए थे पीछे जी स्कूल, उन वर्करों को हटाया गया, उनको वापिस लिया जावे। हटाई गई वर्करों के तो वापिस लेंदे नहीं, बच्चे स्कूल में मतलब के बढ़ रहे हैं जी संख्या, इस वजह से हम कह रहे हैं कि जी वर्करों को वापिस स्कूलों में ली जावे जी। और जो यू किसानों का आंदोलन है जी, इसमें हम बढ़ चढ़ कर भाग लेवेंगे पूरी संख्या में जी। एक मिनट जी, मतलब कि हमारी मांगे नहीं पूरी हुई ना, तो हमने एक बड़ा आंदोलन का ऐलान किया है जी 7 नवंबर को, तो करनाल के अंदर जावेंगे जी हम पूरी संख्या के, पूरी तैयारी करके जी हमारी मांग।